वहीं भीषण गर्मी के बीच जल संकट से झुलस रही दिल्ली के लिए एक सुखद खबर आई है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने अपर यमुना रिवर बोर्ड में यह स्पष्ट हिमाचल के ए लोकेशन में गर्मियों के मौसम में उनके पास 137 क्यूसेक पानी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल दिल्ली को पानी देने के लिए तैयार है। वहीं दरअसल हिमाचल प्रदेश ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब हिमाचल 137 क्यूसेक पानी देने के लिए तैयार हो गया है। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपर यमुना रिवर बोर्ड में यह स्पष्ट किया है कि हिमाचल के ए लोकेशन में से गर्मियों के मौसम में उनके पास 137 क्यूसेक पानी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश ये पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन अपर यमुना रिवर बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश से कुछ कागजात और कैलकुलेशन मांगे हैं। वहीं दिल्ली जल मंत्री कल अपर इस बैठक में फाइनल समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं हिमाचल प्रदेश ने अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक में फिर से यह बताया है कि वह दिल्ली को पानी देने को तैयार है। वहीं अपर यमुना रिवर बोर्ड में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली भी शामिल है। सभी राज्यों को यमुना के पानी का एक हिस्सा एलोकेट किया गया है। अभी भी दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है लगातार उसमें कमी चल रही है। वजीराबाद पॉन्ड पर जहां पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए 668.5 फीट पर पानी है, यानी लगभग वजीराबाद पॉन्ड में पानी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मुनक कनाल में जहाँ पे दो सब कनाल के माध्यम से दिल्ली को पानी आता है जो CLC और DSB है, उसमें भी पानी की कमी चल रही है। जो 10 जून को पानी बढ़कर 925 क्यूसेक पर डे हो गया था वो फिर से 11 जून को घटकर 919, 12 जून को 903, 13 जून को 906 और 15 जून को 902 क्यूसेक पर अभी है। दोनों सोर्सेज से पानी की कंटिन्यूड कमी की वजह से दिल्ली में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 MGD का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले एक हफ्ते से लगातार गिर रहा है। ये आंकड़ा 6 जून को 2 MGD पर था, ये 10 जून तक गिरकर 958 MGD तक पहुंच गया, 13 जून को ये 939 MGD पे था और कल यानी 14 जून को ये 932 MGD पर पहुंच गया। यानी इस समय दिल्ली में 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है। 1005 MGD के बजाय 932 MGD प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि जो मुनक कनाल का पानी है वो सभी वाटर 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है। 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में अब कुछ पानी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है। तो 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस होने की वजह से जो दिल्ली में कई इलाकों में पानी की कमी थी वो अभी भी बरकरार है। हमने दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल्स करवा के उनको दिया है, खास करके बवाना में, द्वारका में, नांगोई में, वेस्ट दिल्ली में, जहाँ पे काफ़ी पानी की शॉर्टेज थी। इमरजेंसी के तौर पर बोर से लिंक रिजर्वॉयर्स हैं उसमें बोरवेल्स का पानी जोड़ा जाए। टैंकर्स के भी ट्रिप्स अब एक दिन में 10,000 ट्रिप्स
दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकर्स के किए जा रहे हैं। अब तकरीबन पानी दिल्ली जल बोर्ड टैंकर्स के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कर रही है। अभी हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी, इसमें हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहाँ पर पानी के टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर पानी का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है तब तक वाटर टैंकर्स ही एक माध्यम है जिनसे हम कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, पानी के टैंकर्स अब हम जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं पानी के टैंकर्स के, उनको भी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी की वजह से नए ऐसे एरियाज डेवलप हो गए हैं जहां पे पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही है। अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग हुई इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला है। हिमाचल प्रदेश ने कल की अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में फिर से ये बताया है कि वो दिल्ली को पानी देने को तैयार हैं। जो हिमाचल का सरप्लस पानी है, देखिए हमें अपर यमुना रिवर जो इंटायर बेसिन है उसमें ये समझना होगा कि जो सारे अपर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, सबको यमुना के पानी का एक हिस्सा एलोकेटेड है। यमुना रिवर बोर्ड है कि जितना वो एलोकेशन हिमाचल प्रदेश का है, गर्मियों के मौसम में उनके पास 137 क्यूसेक्स पानी है जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आउट ऑफ देयर एलोकेशन। हिमाचल प्रदेश ने फिर से ये कल अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में रिइटरेट किया है कि वो ये पानी देने को तैयार है, परंतु अपर यमुना रिवर बोर्ड ने कुछ हिमाचल प्रदेश से और कागज और कैलकुलेशंस मांगे हैं। मेरी आज सुबह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से बात भी हुई है। उन्होंने भी ये अश्योरेंस दिया है कि जो हिमाचल प्रदेश से सपोर्ट की ज़रूरत है, जो उनसे कागजात की ज़रूरत है, जो है वो जल्द बोर्ड को प्रोवाइड की जाएगी। हिमाचल प्रदेश ने फिर से दिल्ली के लोगों के प्रति अपने कमिटमेंट को, लेकिन क्योंकि इन कैलकुलेशंस को असेस करने में अपर यमुना रिवर बोर्ड को कुछ समय लग सकता है, दिल्ली ने हरियाणा को एक ह्यूमैनिटेरियन अपील फिर से करी है और उस ह्यूमैनिटेरियन अपील के तहत ये आग्रह किया है कि वो कुछ एडिशनल पानी अगर दिल्ली को छोड़ सकते हैं। अपर यमुना बोर्ड ने यह भी सजेस्ट किया है कि दिल्ली और हरियाणा कुछ बायलैटरल बैठक करें और अगर कुछ पानी हरियाणा दे सकता है तो वो ज़रूर रिलीज करें। दिल्ली सरकार के अफसरों ने भी हरियाणा सरकार के अफसरों से बात करी है और इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर्स का एक डेलीगेशन कल चंडीगढ़ जाएगा, मुलाकात भी करेगी। सरकार को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी अपील कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार दिल्ली की अभी की परिस्थिति में एक्स्ट्रा पानी इतना हिस्सा है उसका क्या कैलकुलेशन है। इस सब पर बातचीत ये हीट वेव निकलने के बाद बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आज एक हीट वेव के नाते दिल्ली में एक इमरजेंसी सिचुएशन है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हरियाणा पानी रिलीज करे। बाकी मेरी दिल्ली वालों से भी अपील है कि दिल्ली वाले भी, क्योंकि पानी की लगातार एक कमी बनी हुई है, दिल्ली वाले भी बहुत केयरफुली पानी का प्रयोग करें। जिन जिन इलाकों में पानी आ रहा है, जहां पर पानी की कमी नहीं भर भी है, कम से कम पानी का प्रयोग करेंगे तो दिल्ली के अन्य इलाकों में जहां पर पानी की शॉर्टेज है वहां पर हम पानी पहुंचा